मेरा नाम अजीत कुमार है, मेरे मार्क्स 611 है एंड रैंक 16,093। मैंने अपनी गाइडेंस अपने पेरेंट्स से लिए और जो मेरे कोचिंग के टीचर्स थे, एंड मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ तो इसलिए मेरे बड़े भाई एंड बड़ी बहन भी है, उनसे भी मैंने अपनी पढ़ाई मेडिकल की जर्मनी क्लासेस साउथ एक्स से की है। मैंने अपना स्टडी प्लान बनाया था पर मैं इसको प्रोसीड आगे तक नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम हो जाते मैंने सोचे थे। तो इसका मतलब अगर आपको किसी भी सिलेबस को अगर फिक्स टाइम में कम्प्लीट करना है तो आपको उसको पार्ट में डिवाइड करके एक फिक्स शेड्यूल के अंदर कंप्लीट करना होगा, तभी पूरा होगा। मेरा एम्बिशन तो न्यूरोलॉजिस्ट का है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले यूजी कहीं से भी कर लूँ, उसके बाद फिर पीजी या तो दिल्ली या फिर किसी और अच्छे कॉलेज से कर लूँ, उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए। नीट एस्पिरेंट्स के लिए दो ही एडवाइस दूंगा, एक अपना सिलेबस टाइम पर कम्प्लीट करें और दूसरा एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा पढ़नी है, मतलब जितनी बार आप पढ़ सकते उतनी बार एनसीईआरटी कम्प्लीट करें।